सैड सॉन्ग है लेकिन गम खुशी में बदल रहे हैं, याद आते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में हम रिएक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं एक और पुराना गाना पाकिस्तान से, फिल्म चांद और चांदनी से। ये लेटेस्ट सजेशंस में से एक है, तेरी याद आ गई गम खुशी में बदल गए, मसूद राणा का ये गाना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। अरे आंसू सिसकियां ऐसा क्यों, ये क्या है, कहाँ है, किधर जा रहा है आसमान में, क्या हो गया भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि तेरी याद आ गई। क्या बोल है भाई, सो चराग जल गए तेरी याद आ गई। सैड सॉन्ग है लेकिन गम खुशी में बदल रहे हैं, याद आते हैं। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। ऑलराइट, तो ये एक और सैड सॉन्ग बड़े प्यारे बोलों के साथ, बड़े गहरे गहराइयों के लिरिक्स के साथ ये गाना मुझे सुनने को मिला। बड़ा ज़बरदस्त था, अच्छा था, पीसफुल था और आवाज़ बड़ी ही कड़क, बड़ी प्यारी आवाज़ थी। इसके अलावा लोग मुझसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं म्यूज़िक की बात क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे यार पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं पता है। मुझे देखे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स लेकिन मुझे डिटेल में नहीं पता है उनके नाम। गिटार वगैरह का पता है, तबला एंड ये जो
उसके अलावा म्यूज़िक की बात मैं इतनी ही कर सकता हूँ कि हाँ अच्छा म्यूज़िक है, ज़बरदस्त म्यूज़िक है, कंपोजिशन म्यूज़िक की जो है वो बड़ी प्यारी लग रही है, ये मैं हर वीडियो में बोल सकता हूँ, लेकिन हर वीडियो में मैं सेम चीज़ नहीं बोल सकता। मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज होती अगर इसकी तो मैं ज़्यादा बात कर सकता था। हालाँकि म्यूज़िशंस हमेशा हमेशा लगभग मेरे हिसाब से 50% पार्ट निभाते हैं। म्यूज़िक अच्छा नहीं मिलेगा तो अच्छी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है। आप बिना म्यूज़िक के सुन लो तो आपको बहुत कम मज़ा ही आएगा, मज़ा उतना आएगा नहीं। तो दोनों सिंगर और म्यूज़िशन इसमें बहुत कमाल का और बराबर का ही रोल निभाते हैं। तो सिंगिंग ज़बरदस्त, इसके अंदर पोइट्री बहुत ज़बरदस्त। सैड बंदा एक कहता है कि मुझे याद तुम्हारी आ गई, गम खुशी में ढल गए, गम खुशी में बदल गए। आपकी ज़िंदगी उदास चल रही है, टेंशन परेशानी में, अगर आप उस चीज़ को, उस इंसान को याद कर लो जो आपके दिल का सुकून हुआ करता था कभी भी किसी भी ज़माने में, वो यादें अगर ऐसे कर कर आप लेट कर बैठ कर सुकून भरे पल चाहते हो तो याद कर लो थोड़ा सा, आपको आपके दिल से यही निकलेगा कि वाह मुस्कुराहट निकल गई, आपके आपको पता भी नहीं चलेगा मुस्कुराहट निकल जाएगी। तो वही मायने हैं इस गाने के कि यार गम खुशी में बदल गए, ज़िंदगी की परेशानियों को भूल कर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए किसी को याद करके, तो वो मोहब्बत ही हो सकती है। ऐसे ही सजेशंस देते रहो, हम सिलसिला जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करते जाओ, जो भी नया आता जाता है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, हमारा नंबर बढ़ेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, वरना फिर छोड़ने का मन करता है यार। लेकिन मज़ा तो आ रहा है मुझे इसमें, मैं अकेले भी सुन सकता हूँ, आप लोगों का साथ मुझे एक दूसरे से कनेक्ट करता है, अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। आप मुझे कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हो, मैं अपना रिएक्शन आपको देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी लगता हुआ यार एक बंदा इंडिया में बैठ के हमारे पुराने गाने सुन रहा है पाकिस्तान के, तो कितने इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है, कितना इन्जॉय कर रहा है, कितना समझ रहा है उन गानों को। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भाई कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ आप, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास जहाँ भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो तो आपको शेयर करना चाहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जो ये काम कर रहा हूँ आप तक पहुँच रहा हूँ, आपसे मेरी बॉन्डिंग बन रही है कमेंट सेक्शन और व्यूअरशिप के ज़रिए, तो वो थोड़ी और लंबी टिकती रहे, चलती रहे, उसके लिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है भाई। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है इन चीज़ों से। चलिए फ़िलहाल एंड करता हूँ मैं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय।